नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैंने इस बीच बहुत सारे पिछले 2-2.5 महीनों से वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार भी दिया, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए कभी कभी, पर बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं था ये सब। पर दोस्तों आज मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ क्या, मैं क्या करता हूँ। मैंने इतने सारे मेडिकल हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाए, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये है कौन जो मेडिकल्स के बारे में कैंसर से रिलेटेड हमें जानकारी देते हैं। दोस्तों मैंने 2006 में CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना से रेडिएशन फिजिक्स में ट्रेनिंग करी थी, जिसकी वजह से आज मुझे नौकरी करते हुए 15 साल हो गए हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी कि कैंसर विभाग में। तो ये बहुत लंबा समय था, तो मैं देखता था मेरे पास जो पेशेंट्स आते थे वो बहुत ही परेशान रहते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था, कई बार बताने वाला कोई नहीं होता था। तो उनके मन के अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती थी, वो हमारे पास आते थे और तरह तरह के क्वेश्चंस करते थे। क्योंकि मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ इस समय मेदांता लखनऊ के अंदर, तो मैं जानता हूँ कि पेशेंट्स की क्या परेशानी आती है, जैसे जैसे उसका इलाज आगे बढ़ता है उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे विचार मेरे मन के अंदर चल रहे थे, तो मन में एक आइडिया आया, क्यों ना यूट्यूब का सहारा लें और लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करें जो इन विषम परिस्थितियों में पड़ते हैं। तो दोस्तों मेरा एक यही मकसद है कि मैं मेडिकल हेल्थ लाइन के ऊपर जो इस समय लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, या एक पेशेंट को क्या क्या शिकायतें आती हैं या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, उसकी क्या मजबूरी होती है। दोस्तों मैं जानता हूँ हम और आप एक एवरेज क्लास मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो कई बार हम अपने डॉक्टर से भी खुले शब्दों में बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद बीमारी से इतना डिप्रेस हो चुके होते हैं, जो हमारे प्रियजन हैं हमें समझ में ही नहीं आता कि हम डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछे, और कई बार डॉक्टर्स भी इतने हाई फाई मेडिकल टर्म्स हमारे सामने रख देते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। तो मेरे मन में यही बर्डन था कि मैं अपने पेशेंट्स का कैसे बर्डन को थोड़ा कम करूं कि उनको रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी शेयर कर सकूं और मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो यही मेरा एक मकसद था कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं और डायरेक्ट लोगों से बातचीत कर सकूं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूं और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन है। और इसी के साथ साथ निर्दोष टेक ऑनको के इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, या और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे कि हम और आप अपडेट रह सके अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में। फ्रेंड्स मेरे पास समय था तो मैंने सोचा कि मैं इसको इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है कुछ आपके लिए और कुछ अपने लिए खुद कुछ कर सकूं। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो मैं खुद भी उस वजह से अपडेट रहता हूं और पढ़ता हूं और आपको उस बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों मुझे आज 15 साल इस फील्ड में हो गए हैं और मैंने बहुत सारी पेशेंट्स को देखा है, उनका ट्रीटमेंट किया है, तो मुझे मालूम है कि पेशेंट्स को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यदि आप मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चाहते हैं या कुछ डायग्नोसिस के बारे में जानना चाहते हैं या रेडियोथेरेपी के स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि किस स्टेज में क्या होता है, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मेरे कमेंट में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को इंजॉय करें, इंफॉर्मेशन लें और एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें और आपको ही अपने साथियों की अपने समाज की मदद करनी है। तो अवेयर जरूर रहें क्योंकि कैंसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे कंट्री के अंदर। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने अपने आप के बारे में आपको आज इतने समय के बाद बताया है कि आखिर मैं हूँ क्या। फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, ताकि हम और आप एक दूसरे के काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।